मूर्ख बनाना अब सरकार का काम रह गया है टाली बजा दो थाली बजा दो दिया जला दो मोमबत्ती बुझा दो क्या हुआ कुछ नहीं बुझा तो हमें चुनाव मत लगाओ भैया लेकिन ये तो पूरा काट ले रहा है भर भर के चूना लगा दे रहा है चुनाव आयोग नहीं है ये तो चुनाव आयोग है यार जो है कौन सा नशा चटा दिए है अमित देवगन मैं तुम्हें ब... और दलाल कहता हूँ इस गुल्लू को बताओ अबे गुल्लू हमको मत बना चूरन ए, हमको बेवकूफ़ बनाता है जनता के बच्चों को मंदिर मस्जिद की सीढ़ियों पर भीख मंगवाओगे और तुम्हारे बच्चों को विदेशों में ले जाके पढ़वाओगे अबे तुम भी दौड़ाए जाओगे तुम स्टूडियो से बाहर ये लोग घूमते क्या बिना सुरक्षा के घूमे तो सही जनता कितना प्यार करेगी इनको और इनकी न्यूज पर से तो भरोसा उठ गया है जनता का अब मैं मुझे लगता है 2024 के बाद क्या कहेंगे मालूम है माँ कसम ये न्यूज सही है इस बार भरोसा कर लीजिए मैं माँ की कसम खा रहा हूँ अब ये न्यूज फेक नहीं है ऐसा कसम खा करके न्यूज पढ़ेंगे आने वाले वक्त में लिख के लीजिए नमस्कार मैं अंजना ओम मोदी माफ कीजिए कश्यप वो क्या कह रही थी वो भी दौड़ाई गई थी पटना में गोदी मीडिया गो बैक इनकी ये औकात रह गई है तो आने वाले वक्त में क्या कहेंगे ये माँ की कसम खा रही बाप की कसम खा रही हूँ इस बार तो एकदम सही न्यूज बता रही है अब की बार बेशम सरकार क्योंकि अब ये डूबने वाले हैं जनता डुबाएगी इनको प्रधानमंत्री को नमस्कार मैं नूर नूर्झा और आप देख रहे हैं जनित आवाज इस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है वहीं तमाम भाजपा सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं महिला सुरक्षा की बात हो चाहे ईवीएम की बात हो दोनों चीजों पे लेके विपक्ष भी सवाल उठा रहा है और जनता भी अब इसमें शामिल हो गई है और इसी चीज से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कलीम शेख जी सर क्या कहेंगे महिला सुरक्षा पे इतना चीजें तमाम चीजें सामने आ रही है और जो हाथ होता है वो भाजपा सरकार में काम करने वाले लोगों का ही होता है हाथ नहीं होता है पूरा शरीर होता है हाथ का होता है देखिए जिधर भी कहीं पर भी कोई ऐसा आ, केस आता है, जैसे यौन शोषण बलात्कार तो इन्हीं के लोग पाए जाते हैं हाँ तो इन्हीं के लोग क्यों पाए जाते हैं मतलब अब क्या जनता जो सत्ता पे बैठा है हमने पार्टी है भाजपा सरकार उनके उनके उसमें महिला बच्चे कोई सुरक्षित ही नहीं है क्या <laughs> कोई नहीं है सुरक्षित इनकी खुद ही महिलाएं ही नहीं सुरक्षित हैं अभी इनकी भी एक आसाम में कहीं पर ये इनके नेता की लेडीज की गूगल पे ढूंढ लीजिएगा न्यूज़ और उसका जो है यौन इसका क्लिप बाहर आ गया तो उसने सुसाइड कर लिया था फिर एक महाराष्ट्र में जो है लेडीज थी तो उस उस माइनॉरिटी सेल की थी शायद उसने उसको उसके पति ने हत्या कर दिया एम पी में उसकी बॉडी पाई गई थी तो ये सब चीज़ें कहाँ जब उनके पास ही सुरक्षित नहीं तो आगे सरकार में उनकी कहाँ से सुरक्षित रहेंगी और या आपको याद है राम दुलार गौड़ अभी अभी हाल ही में पच्चीस साल के लिए पॉक्सो में गया है उसके बाद आपको पता है वो बिजभूषण जो बोलता है मैं शिलाजीत की रोटी खाता हूँ क्या है नहीं है फिर उसका आप जाइए तो वो कुलदीप मिलता है सेंगोर वो तो पूरा परिवार खत्म कर देता है उस युवती के फिर वो हाथरस होता है प्रशासन इनके ले जा के रात को बिना परिवार को बताए उनका दाह संस्कार कर देती है तो ये सब बातें हैं महिलाएं कहाँ सुरक्षित है सेना की बीवी सुरक्षित नहीं पूर्व सैनिक की जो देश की रक्षा किया उसकी बीवी की रक्षा ये लोग नहीं कर पाए मणिपुर की बात कर रहे हैं एन बीरेन्द्र सिंह जो अभी तक बेशर्मी के साथ मुख्यमंत्री बना हुआ है दूसरे अगर रहते तो अब तक हट गया होता नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया होता लेकिन दिया क्या ये सब बेश अब की बार बेशम सरकार तो अब एक और चीज अगर देखी जाए तो जो बिल्किस बानो का केस है उसमें 2022 हजार बाईस अगस्त जिस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है उस दिन मतलब जहां लाल किले पे मोदी जी अपने सुरक्षा दावे वादे के वादे कर रहे थे महिला को लेके वहीं जो 11 आरोपी थे उनको भी आजाद कर दिया गया उस पर आप क्या कहेंगे वो लाल किले से उस दिन का ये आपको भाषण याद होगा की महिला पर बहुत ज्ञान दे रहे थे महिलाओं पर ठीक है और इधर गुजरात की इन्ही की लॉबी जो है छोड़ दिया मैं तो बोल रहा हूँ ये तो सब गुनेगार हैं अगर देखिए दूसरा कोई कंट्री होता ना तो प्रधानमंत्री पर भी केस होता तो मतलब इस चीज को लेके प्रधानमंत्री पर केस होना चाहिए क्या देखिए जो भी अपराधी है तो अपराध की अगर श्रेणी में आता है तो कानून को संज्ञान लेना चाहिए कानून से बड़ा प्रधानमंत्री तो होता नहीं है लोकतंत्र और संविधान से बड़ा कोई पोष नहीं होता न राष्ट्रपति न प्रधानमंत्री न देश का नागरिक ना मिले, कोई नहीं होता लेकिन उन्हें ग्यारह आरोपियों को अब जो उनकी रिहाई थी वो रद्द कर दी गई मतलब बहुत ही देखिए हाँ। मैं ये मांग करता हूँ उनके पर आरोप हो गया है। तो आरोपी कैसे कह सकती वो लोग तो दरिंदे हैं समाज में ना रहने के लायक नहीं नासुर हैं ये लोग इनको तो कब तक क्यों पाल कर रखे इनको तो फांसी दे देना चाहिए था ठीक है लेकिन जो उनको माला पहनाया ये तो उससे बड़े दरिंदे हैं जो स्वागत किए थे इन इनको भी उन्हीं के बैरक में डाला जाए मैं ये मांग कर रहा हूँ देश के न्याय व्यवस्था से सुप्रीम कोर्ट से ये हम तो एक सामान्य व्यक्ति हैं तो हम तो क्या करें डिमांड कर सकते हैं मांग कर सकते हैं तो हम मेरी हम जनता की मांग ही यही है कि जिसने भी उन दरिंदों को माला पिनाया उन सबको जेल में डालो तमाम ये सब चीजें चल रही हैं महिलाओं को लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जो मोदी जी हैं वो लक्ष्य द्वीप में डुबकी लगाते हुए दिख रहे हैं तस्वीरें सामने आ रही है ये वाले हैं। जनता डुबाएगी इनको अब प्रधानमंत्री को पर उन्हें इतना आत्मविश्वास है अपने ऊपर वो कह रहे हैं हाँ, कि, वो हाँ। आत्म की आत्मविश्वास क्यूँ पता है क्या आपको ईवीएम तो ईवीएम को लेकर तमाम ऐसी चीजें सामने आ रही सुप्रीम कोर्ट के वकील कह रहे हैं हमें ईवीएम दे दो हम चेक करके वापस कर लेगा केला को वोट करो शेप को जा रहा है थे ना, जी। तो लेकिन उसके बाद भी लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है मतलब तमाम ये देखो जो बेशर्म होते हैं उन्हें आएगी? है? इतना शर्म अभी बताइए पूरा विश्व थूका मणिपुर की घटना पर तो इन बेश, इनको जरा भी शर्म होती हया होती इनके पास तो अपने मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं लेते लेते नहीं लेते तो इनके पास वही नहीं शर्म। अरे वो थोड़ा राम मंदिर में व्यस्त है विकास कराने में व्यस्त है अच्छा राम मंदिर से विकास हो जाएगा बताइए राम मंदिर और बाबरी मस्जिद जो बन रहा है उधर अयोध्या मस्जिद भी बन रहा है नौ हजार नमाजी नमाज पर तो मंदिर मस्जिद समाज का काम है बनाना सरकार का नहीं, नहीं। लेकिन हम तो अब समझ गए मूर्ख बनाना अब सरकार का काम रह गया है लेकिन वो 22 जनवरी को कह रहे हैं कि सब दिए जलाइए उस दिन दिवाली मनाई जाएगी उनका कहना अरे है तो कोरोना में भी दिवाली मनवा लिया था ताली बजा दो थाली बजा दो, थाली बजा दो दिया जला दो मोमबत्ती क्या हुआ नहीं। कुछ नहीं हुआ कितने लोगों के दिए बुझ गए और लाशे जो है कुत्ते नोच रहे थे गंगा की घाट पर मानती है देखी थी आप है ना तो जो क्योंकि उनके पास दाह संस्कार को लकड़ी के पैसे नहीं थे तो वही वही दबा कर चले जाते थे तो जब पूरा विश्व में थूथू हुआ तो यूपी सरकार ने उनकी ऊपर की चुनरी तक खींच लिया कब्रों के ऊपर से खींचा नहीं।, 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 नहीं तो ये लोग देखिए इनसे जनता पता नहीं है ये अंधभक्त किस अंधभक्त जो है कौन सा नशा चटा दिए हैं, जो तीन हजार करोड़ मुद्रा पोर्ट पर पकड़ा गया था गुजरात में पता है ना ड्रग्स लग रहा है सारा अंधभक्तों को पिलाया गया है अगर राम मंदिर की बात करे तो एक अमीश देवगन है जिन्हें गुल्लू कहा जाता है एंकर है वो तो उन्होंने बोला है कि अगर आप बीमार हो रहे हैं तो मंदिर जा, मंदिर जाइए तो आपको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी वो एंकर है वो तो दलाल है मैं नहीं कह रहा हूँ अमीश देवगन मैं तुम्हें और दलाल कहता हूँ ये मैंने नहीं कहा राजू त्यागी जी ने कहा था स्वर्गीय मैंने यूट्यूब पे देखा है राजीव त्यागी जी ने उन एंकर को ऐसा बोला था जी अमित देवगन मैं तुम्हें और दलाल कहता हूँ तो गुल्लू घबरा गया था बोलता अरे अपने शब्द वापस लीजिए अपने सब वापस लीजिए मैं आगे डिबेट को नहीं बढ़ाऊंगा तो राजीव त्यागी जी ने दोबारा क्या कहा मालूम मुझे मजबूर करोगे तो मैं उस वर्ड को दोबारा दोहरा दूंगा तो बेहोश हो गया था गुल्लू स्टूडियो में तो आपका क्या मानना है जिस तरीके से उन्होंने बोला मैं ये मानना है कि इस गुल्लू को बताओ अबे गुल्लू हमको मत बना चूरन ये अभी बीमार पड़ेगा ना थोड़ा सा जुलाब होगा तो ये डॉक्टर के पास भागेगा मंदिर नहीं जाएगा नहीं। ये हमको बेवकूफ़ बनाता है जनता के बच्चों को मंदिर मस्जिद की सीढ़ियों पर भीख मंगवाओगे और तुम्हारे बच्चों को विदेशों में ले जाके पढ़वाओगे अबे तुम भी दौड़ाए जाओगे तुम कहा स्टूडियो से बाहर ये लोग घूमते क्या बिना सुरक्षा के घूमे तो सही तो जनता कितना प्यार करेगी इनको और एक तो मुझे ड्रग दो मुझे ड्रग दो मुझे ड्रग दो अबे ड्रग्स पी पी के तुम लोग पूरा मुद्रा पोट का ड्रग्स इन्हीं लोग ने पिया है तीन तीन हजार करोड़ का पक तीन हजार किलो पकड़ा गया था ना और एक दो बार नहीं कई बार पकड़ा गया और ये सब इन्हीं के लिए आता है मुझे ड्रग दो मुझे ड्रग दो मैं नहीं जी पा रहा हूँ मुझे चिलम मारना है मुझे चिलम दो अभी चिलम नहीं मांगे है और इनकी न्यूज पर से तो भरोसा उड़ गया है जनता का अब मैं मुझे लगता है 2024 के बाद क्या कहेंगे मालूम है मा कसम ये न्यूज सही है इस बार भरोसा कर लीजिए मैं माँ की कसम खा रहा हूँ अब ये न्यूज फेक नहीं है ऐसा कसम खा करके न्यूज पढ़ेंगे आने वाले वक्त में लिख के लीजिए क्योंकि वो देखो आंटी पकड़ी गई थी पटना में तो बोलती है न्यूज में अरे चिप नोट में चिप मैंने नहीं दिखाए थे बोले व्हाट्सएप पे तीस सेकंड का वीडियो आया था अभी तुम ज्यादा बात करोगे तो तुम पे केस ठोक दूंगी अबे क्या केस ठोकोगी अभी तो तुम्हारे बच्चों को तो तुम यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हो और हमारे बच्चों को व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में पढ़ाओगे हैं और एक एक और थी नमस्कार मैं अंजना ओम मोदी माफ कीजिए कश्यप वो क्या कर रही थी वो भी दौड़ाई गई थी पटना में गोदी मीडिया गो बैक नारा लगा था उनके सामने ढूंढ लीजिएगा वीडियो इनकी ये औकात रह गई है तो आने वाले वक्त में क्या कहेंगे ये माँ की कसम खा रही हूँ बाप की कसम खा रही हूँ इस बार तो एकदम सही न्यूज बता रही हूँ ये सब कहेंगे ये लोग और एक रूह बिका जानते हो रूह बिका वो क्या मालूम है चार चार हजार रुपए में मणिपुर नहीं जा पाई थी और चार लाख खर्चा करके इजराइल पहुंच गई और क्या कर रही है देखो हम इधर से गोली चल रहा है बंद कमरे में अपने होटल रूम से रिपोर्टिंग करके क्या बता रही है हम ग्राउंड पे उतर गए हैं इधर से गोली चल रहा है और ये, ये जुलाब की गोली खा ली हूँ मैं ऐसे तो ये लोग करते हैं एंकरिंग बताइए अरे मणिपुर इम्पोर्टेंट है कि इजराइल तमाम ऐसी चीजें देखने को मिल ही जाती है लेकिन अगर अभी चुनाव नजदीक है लोकसभा चुनाव तो इस पे क्या कहेंगे क्या बदलाव दिखेगा हम ये कहेंगे हम तो वोट देने अब जाएंगे नहीं जब तक चुनाव आयोग हमारे विश्वास को वापस लाता नहीं, नहीं। और बहुत ही जनता अब विरोध में हम तो ये है देखो ईडी वालों की सुताई हुई ना बंगाल में कहीं चुनाव वालों को भी सुताई ना हो जाए क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं अभी देखिए क्रिमिनल केस इन पर नहीं होगा कितना बड़ा शातिर प्रधानमंत्री है इसको चालाक बोल सकती हैं, साथीर बोल सकती हैं। कि चुनाव पितासीन अधिकारी अगर गलत करेगा ड्यूरिंग द इलेक्शन तो उस पर क्रिमिनल केस नहीं होगा नहीं। तब तो वो तो खुद ही जाके बटन दबाएगा फिर भी क्रिमिनल केस नहीं होगा नहीं। यही होगा ना तो हमें चूना मत लगाओ भैया इसलिए बोलता हूँ यहाँ आप काला सियाई मत लगाना चूना लगाना क्योंकि पान वाला भी क्या पूछता है कितना चूना लगाओ भैया तो हम बोलते है भाई चूना कम लगाना कल कट गया था लेकिन ये तो पूरा काट ले रहा है भर भर के चूना लगा दे रहा है चुनाव आयोग नहीं है ये तो चुनाव आयोग है यार बहुत बहुत शुक्रिया तो मतलब देखा जा सकता है इनका कहना है कि वो जो काली सिहाई जो लगाई जाती है वोट देने के बाद तो वो ना लगा के चूना लगाया जा रहा है सरकार की तरफ से तो बाकी आप क्या कह रहे हैं दो नजदीक है कौन सी सरकार बनते हुए नजर आ रही है बाकी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा धन्यवाद